अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ यह है चीज़ी लोटेड फ्राइज की। और ये बहुत मज़े के बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं, साथ में इसकी मज़ेदार सी सॉस भी बनाएंगे। तो फिर आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है और इसमें हाफ कप दही डाली है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और इसके बाद मैं लेमन जूस डालूँगी इसमें, यह है 2 टेबल स्पून। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही नमक है, और 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक करने में कंजूसी ना क्या करें, वीडियो को लाइक भी क्या करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी क्या करें। इंडिया से मेरी सब्सक्राइबर हैं संगीता, उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक करा, थैंक यू सो मच। और जो जो लोग मुझे इंडिया से और भी देखते हैं वो मुझे ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से किस सिटी से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, इन्हें पील ऑफ कर लेंगे हम। और सारे आलू आप एक ही साइज़ के लिया करें, क्योंकि जब हम फ्राइज बना रहे हो ना तो सारे सेम साइज़ के फ्राइज अच्छे लगते हैं, छोटे बड़े अच्छे नहीं लगते। और वो जो आपको एक छोटा आलू नज़र आ रहा है ना, ये सब्ज़ी वाला जो एंड में अपना वज़न बराबर करने के लिए डालते हैं ना, ये वो आलू है। तो बाकी सारे मैंने सेम साइज़ के लिए हैं और सबको पील ऑफ करके फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास फ्राइज़ को कट करने वाली मशीन है तो आप उसमें कर लें, अदरवाइज़ इस तरह से भी बिल्कुल इक्वल हम कट कर सकते हैं। पहले हम आलू के सारे स्लाइस करेंगे और उसके बाद हम इसके फ्राइज़ बना लेंगे, और इस तरह से भी सारे इक्वल बन के तैयार हो जाते हैं। जब हम लोडेड फ्राइज़ बना रहे होते हैं ना, तो इसमें कोई भी चावल का आटा या कॉर्न फ्लोर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं लगाते। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था चूल्हे पे गरम करने के लिए, इसे हमने बॉईल नहीं देना, सिर्फ गरम करना है। और जो कटिंग किए थे आलू वो सारे इसमें डाल देने हैं, और सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए हमने गर्म पानी में रखना है, और इसके बाद फिर हम इसमें से निकाल लेंगे। हमने आलू को बिल्कुल गलाना नहीं है। अब इसे खुले बर्तन में हम रख देंगे फैला के, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ तमाम फ्राइज़। अब हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं ऑयल, और जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो इसमें डाल देंगे। इसमें दही का पानी भी है और हमारे क्यूज़ भी बहुत छोटे छोटे हैं चिकन के, तो वो इसी में सब गल जाएगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो हमारा चिकन रेडी है। इसे आप निकाल लें किसी भी प्लेट में या बाउल में। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और ऑयल डाला है, इसमें हम फ्राइज़ शामिल कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसे आपने साथ साथ चलाते रहना है ताकि सब पे इक्वल कलर आ जाए, और हम इसी तरह से अपने सारे फ्राइज़ को रेडी कर लेंगे। ये फ्राइज़ इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि बच्चों के बड़ों के सबके ही बहुत फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे फ्राइज़ तैयार हो गए थे, यहाँ पर मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। और इसके बाद हम अपनी सॉस तैयार कर लेंगे। यहाँ पैन में मैंने डाला है 1 कप दूध, और इसके बाद मैं इसमें चीज़ शामिल कर दूँगी, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी है। अगर आपके पास स्लाइस हैं तो 2 स्लाइस डाल दें चीज़ के। और इसके बाद मैं कुटी लाल मिर्च डालूंगी 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, और 1/2 टीस्पून नमक। ये सब चीज़ें शामिल करके हम इसे कुक कर लेंगे। चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी मायनीज़, ये भी तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी डालनी है हमने, और 5 टेबल स्पून ही हम इसमें केचप शामिल करेंगे। और इसे कुक करेंगे कि सॉस थोड़ी सी हमारी थिक हो जाए, ज़्यादा थिक नहीं करनी हमने, थोड़ी सी रनी ही रखनी है। और यहाँ पे सॉस हमारी ऑलमोस्ट डन है। और अब हम एक डिश ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे फ्राइज़, और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो हमने रेडी किया था। और चिकन डाल लेने के बाद जो हमने सॉस रेडी की थी मज़ेदार सी अपनी, वो डालेंगे। इस सॉस का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। और इसके बाद हम इसमें चीज़ शामिल कर देंगे। आपकी पसंद है कि आप चीज़ कम पसंद करते हैं तो कम डालते हैं, ज़्यादा अच्छी लगती है आपको तो आप ज़्यादा शामिल कर दें। और इसके बाद हम इसमें ऑलिव डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे लोडेड फ्राइज़ तैयार हैं। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।